मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट इशू विच इज़ अ वास्कुलर टिशू. सो वास्कुलर टिशू इज अ टिशू विच इज़ अ फ्लूइडी कनेक्टिव टिशू विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कनेक्टिव टिशू प्रॉपर इन द फॉलोइंग कैरेक्टर. सबसे पहले क्या डिफरेंस है कनेक्टिव टिशू प्रॉपर से, कुछ डिफरेंसेस है इसमें और वी कैन से कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वास्कुलर टिशू के कि इसमें सेल डिविजन की पावर नहीं होती. मैट्रिक्स नॉट सेक्रेटेड बाय द सेल्स और जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइडी है, मोबाइल है, फाइबर फ्री है. ये हमारा जो वास्कुलर सिस्टम है उसको बनाता है वास्कुलर टिशू. वास्कुलर टिशू मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सर्कुलेट करता है इन द बॉडी और रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटीरियल्स के लिए. और उसके अलावा ये हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें भी रोल प्ले करता है. तो अगर हम ओवरव्यू देखें वास्कुलर टिशू का, टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिशू आर प्रेजेंट, ब्लड और लिम्फ. अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड में प्लाज्मा और कार्पसल्स प्रेजेंट्स है. कार्पसल्स अगेन थ्री टाइप्स के होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स. ल्यूकोसाइट्स अगेन ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स में होते हैं. ए ग्रेन्युलोसाइट्स अगेन मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं और ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल्स में डिवाइड होते हैं. लिम्फ इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट. बच्चे ये आपको पूरा ध्यान में रखना है, ये आपको याद होना चाहिए. बाकी ये एक ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनके स्ट्रक्चर ये आपको याद रखने हैं. इनमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है कि न्यूक्लियस किसी में डंबल शेप होता है, किसी में ओवल शेप होता है, कोई किसी में जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, किसी में नहीं है. इस तरह से इनमें डिफरेंस होता है, ये आपको करने पड़ेंगे आपको स्ट्रक्चर्स याद. सबसे पहले हम अगर ब्लड की बात करें, ब्लड आई होप सभी को पता है रेड है कलर में, मोबाइल, वास्कुलर है, सॉफ्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू है, स्टिकी है, विस्कस स्लाइटली है, हैवियर है किससे, वाटर से स्लाइटली हैवियर है. ये पीएच इसका कितना होता है 7.4. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑफ पर्पल कलर. 6 to 10% ऑफ द बॉडी वेट इज ऑफ ब्लड और हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है 6.8 लीटर जो होता है वो मिनिमम जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. कॉम्पोजिशन और वी कैन से जो टू पार्ट्स होते हैं हमारे ब्लड में, सबसे पहला पार्ट क्या है प्लाज्मा. अभी हमने यहाँ पे किया ना प्लाज्मा और कार्पसल्स, तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे. प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन में क्या होता है, वाटर, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन. इनऑर्गेनिक साल्ट्स में क्लोराइड्स हो गए, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, कुछ मैग्नीशियम, प्रोथ्रोम्बिन, तो दैट इज़ ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक साल्ट्स. और ऑर्गेनिक में ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, कुछ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंटीकोगुलेंट, ये सब जो हैं प्लाज्मा में प्रेजेंट्स होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ये, होम्योथर्मी में, होम्योथर्मी हमारी बॉडी की हीट को मेंटेन करके रखते हैं. इरिथ्रोपोइसिस दैट मीन्स आरबीसी की फॉर्मेशन करते हैं, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब होता है, जिसे हम आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि कभी भी हमें कोई चोट लगती है तो एकदम से हमारा जो खून जो है वो रुकना बंद हो जाता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को, कुछ बैक्टीरिया को ये जो है डिस्ट्रॉय करते हैं. उसके अलावा एज अ मिडल मैन एक्ट करते हैं बिटवीन बॉडी और ब्लड. सेकेंड जो टाइप है दैट इज़ द ब्लड कार्पसल्स, तो इसका क्या काम है, दैट इज़ अ सेल जो फ्रीली फ्लोट करते हैं प्लाज्मा में. 40 to 45% ऑफ ब्लड प्लाज्मा ये ब्लड कार्पसल्स बनाते हैं. तीन तरह के होते हैं ये, रिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स. रिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं. आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मींस वाइट ब्लड सेल्स. ल्यूकोसाइट्स अगेन ऑफ टू टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स इज अगेन ऑफ थ्री टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, एसिडोफिल्स और ए ग्रेनो में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करते हैं बच्चों, ये स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं. ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं कलरलेस है, ये ओवल शेप्ड हैं और जाइंट सेल्स जिसे हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स उससे बनते हैं बोन मैरो में. इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट्स नहीं होता और ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं जो प्लेटलेट्स होते हैं. फिर आता है लिम्फ. लिम्फ इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्लड. वाइट है ये, वास्कुलर है, कनेक्टिव टिश्यू है, ट्रांसलूसेंट है, एल्कलाइन है, फ्लूइड नेचर है इसका
और बिटवीन ब्लड और कैपिलरीज एंड टिश्यू। कहाँ है ये प्रेजेंट? लिम्फ वेसल्स में, बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू के बीच में ये प्रेजेंट है लिम्फ। अगेन ऑफ टू टाइप्स, प्लाज्मा और WBC, और वी कैन से अ ल्यूकोसाइट्स। प्लाज्मा क्या है? अगेन फ्लूइड मैट्रिक्स है, सिमिलर है ब्लड से। बस इसमें क्या डिफरेंस है ब्लड के कि इसके में जो प्रोटीन्स का नंबर होता है वो कम होता है। और ये बनता कैसे है? ब्लड से ही बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल्स है, वाइट कलर के हैं तो हमें इसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। अमीबॉइड है, फ्लोटिंग है सेल्स हैं ये लिम्फ के। कहाँ से आते हैं? ये ब्लड से ही आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डायपेडिसिस। मेन सेल्स हैं ये लिम्फोसाइट्स के। मिडल मैन एक्ट करते हैं ये बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल्स, और हेल्प किस में करते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में। कीप टिश्यू है ये, टिश्यू क्या करके रखते हैं? मॉइस्ट रखते हैं। ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, फैट फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द वीनस ब्लड। इंटेस्टाइन से जो भी हम खाना खाते हैं इंटेस्टाइन में पहुँचता है, वहाँ से उसको एब्जॉर्ब करके ये ब्लड तक पहुँचाता है। सो दैट इज़ द ऑल अबाउट द लिम्फ, और वी कैन से ऑल अबाउट द वास्कुलर टिश्यू। आई होप आपको क्लियर होगा। बच्चे किसी को कोई सी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आज आपने पूछनी है, और आपने जो ये वाला टॉपिक है कंप्लीट करके साथ के साथ आपने जहाँ भी आप ये करोगे साथ साथ आपने इनके डायग्राम्स बनाने हैं। डायग्राम्स की फ़ोटोग्राफ्स आपकी बुक में भी हैं, अदरवाइज़ मैं आपको सेंड करूँगी। अगर नहीं किसी के पास वो फोटोग्राफ्स हैं, सो आई विल सेंड यू टमोरो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।